मेरे को एक पत्रकार बंधु ने सवाल करा कि साहब दिल्ली में या देश के किसी कोने में बोला संविधान जलाया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है कि उसको कोई आदमी माचिस ले और उसके आग लगा दे। संविधान जो है भारत का एक ऐसा संवैधानिक किताब है जिसको जलाई नहीं जा सकती, उसको मिटाई नहीं जा सकती, उसको हटाई नहीं जा सकती। कुछ उपद्रवी टाइप के जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं कि एक किसी भी किताब का टुकड़ा लाते हैं और बोलते थे कि साहब हमने संविधान जलाया। ये जो वर्तमान सरकार है ऐसे काम करवाती है ताकि लोगों में जाति में और धर्म के नाम पे दंगे हो। संविधान जलाने की चीज नहीं है, संविधान को कोई नहीं जला सकता है। संविधान जहाँ पे लिखा गया है वो लोगों के दिलों में लिखा गया है। अगर संविधान अगर जल गया तो आप एक काम करें कि 23 तारीख को इस सरकार को हटाए, नई सरकार बनाए, गठबंधन की सरकार बनाए जिसमें कि माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बने। आपको पता लग जाएगा कि संविधान जला है कि नहीं जला है। संविधान ने की सरकार आएगी तो पता लगेगा, संविधान के लायक सरकार आएगी तो पता लगेगा कि संविधान जलाया नहीं जा सकता है। संविधान के अनुसार काम करना होता है, ये लोग संविधान के अनुसार काम ही नहीं करते हैं। तो आप ये सवाल क्यों करते हैं कि साहब संविधान जलाया? संविधान कोई नहीं जला सकता है। सब पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, भारत के संविधान को कोई भी नहीं जला सकता है। भारत का संविधान इसीलिए बना कि अंग्रेजों को जलाना था, अंग्रेज जले तो भारत का संविधान बना। भारत का जो संविधान बना उसको कोई नहीं जला सकता है। जहाँ तक कि हमारे कुछ लोगों ने पूछा कि साहब उत्तरी पूर्वी लोकसभा जो सीट है ठीक है उसमें आप बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी प्रत्याशी भारत का कोई भी नागरिक कहीं पे भी नहीं होता है। कोई भी भारत का नागरिक भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, वो स्वतंत्र है। भारत में पैदा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कहीं से भी चुनाव लड़े। मैं तो दिल्ली का ही नागरिक हूँ, 20 साल से दिल्ली में रहता हूँ। जैसे कि अभी श्री महेश आर्या जी ने कहा कि लोग बनारस से चुनाव लड़ते हैं, अमेठी से चुनाव लड़ते हो तो सब वहाँ के थोड़ी है, लेकिन हम उनसे कोई सवाल नहीं उठा रहे। भारत का नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जब एक आदमी, आप एक बात बताओ कि बनारस में जाके और गंगा पुत्र बन सकता है तो मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली का बेटा नहीं बन सकता क्या? दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली का ही बेटा हूँ। ये बाहरी प्रत्याशी बोलना ठीक है, संविधान की बात करना, सरकार की बात करना, ऐसा भ्रम बिल्कुल ना फैलाएं। मैं मीडिया बंधुओं से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप जनता के हित की बात करें। लोग कहते हैं कि आप मीडिया जो है वो देश की तीसरी आंख है, आप तीसरी आंख बनने का काम करें। लोगों की समस्याओं के बारे में पूछें, लोगों की जन भावनाओं के बारे में पूछें, लोगों के जाति और धर्म के बारे में जो लोग फैलाते हैं आप उसके बारे में पूछें। आपने आज तक योगी जी से किसी ने भी पत्रकार ने सवाल नहीं करा कि साहब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राहुल गांधी को ये कहते हैं कि आप वायनाड में जाके और अगर आप में दम है तो आप हिंदू वाला चोला पहन के और वहां वोट मांगिए दिखाइए। आप राहुल गांधी को ये कहते हैं कि वहां पे आप भगवा कपड़े पहन के और वोट मांग के दिखाइए। ये धर्म और जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं करती। जहां तक मैनिफेस्टो की बात है, भारत बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो बहुजन समाज पार्टी खुद है। बहुजन समाज पार्टी जनता के बीच में जाती है, जनता से सवाल पूछती है, जो जनता की समस्या है उनको सुनती है और उनको निराकरण करती है। यही बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है। जहां तक बात है बिकने की, कुछ लोगों ने मेरे को कल बोला, दो बातें कल लोगों ने मेरे को बोली। किसी मेरे एक भाई ने बोला कि साहब आप थोड़ा सतर्क रहना ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपके साथ गलत हो सकता है। मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ और अपने कार्यकर्ताओं को भी बता देना चाहता हूँ कि राजवीर सिंह डरने का नाम नहीं है। डरने वालों में से नहीं हूँ, घबराने वालों में से नहीं हूँ। मेरे साथ जो 10 आदमी चलते हैं वो इसलिए नहीं है कि मैं किसी दूसरे आदमी से डरता हूँ या किसी पार्टी से डरता हूँ या किसी बदमाश लुच्चे लफंगे से डरता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, इसलिए लेकर चलता हूँ कि कल को कोई दुर्भावना जो है वो नहीं फैले, ये लोग कोई अनर्गल मेरे पे आरोप नहीं लगा सके। मेरे साथ भी 10 लोग रहते हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि वहां पे जो भी हुआ वो किसी दूसरे प्रत्याशी ने करा, तीसरी पार्टी ने करा या राजवीर सिंह ने करा। डरने के लिए नहीं चलता हूँ। अगर कोई मेरे को डर का चैलेंज करेगा तो मैं उसके पास अकेला भी पहुंचने की ताकत रखता हूँ। इसलिए किसी भी बहुजन समाज पार्टी के वॉलेंटियर को डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी बहुजन समाज पार्टी के वॉलेंटियर को डरने की जरूरत
राजवीर सिंह आपके साथ है हमेशा है, आज से मैं इसी लोकसभा में अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा हूँ, 24 घंटे 5 साल में यही रहने वाला हूँ, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। समाज पार्टी को मानने वाले उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून के दायरे में रहके और इनकी बातों का जवाब दें, एक एक आदमी के घर है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप अपील करें कि वो हाथी वाला बटन दबाए, बहुजन समाज पार्टी को विजय बनाए, हमने ना किसी से लड़ना है ना किसी से झगड़ना है, लेकिन डरना भी नहीं है, हमें डरना भी नहीं है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान सरकार चलानी है और संविधान के अनुसार चल के ही हमें लोगों के बीच में जाना है। ये लोग भ्रम फैलाएंगे, किसी को जाति के नाम पे डराएंगे, किसी को धर्म के नाम पे डराएंगे और ये फूट डाल के और आपके वोट अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल जी कहते हैं कि साहब हम पूर्ण राज्य बनाएंगे दिल्ली को, अब पूर्ण राज्य तो आप बाद में बनाना, 5 साल आपने दिल्ली के लिए क्या काम करा ये तो बताओ, 5 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ भी नहीं करा। मेरे को ये बोलते हुए मीडिया के सामने बड़ा दुख हो रहा है कि कल मैं एक कॉलोनी में गया यार न्यू भजनपुरा में, जिस कॉलोनी का नाम है जनता कॉलोनी, पीली मिट्टी नाम है, उस कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनसे अच्छी दशा जो हमारे यहाँ तिहाड़ जेल में रहते हैं उनकी है। केजरीवाल जी कैसे कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में मैंने विकास करा ये करा, पोस्टर लगाने से आपका विकास साबित नहीं होता, आपका विकास तब साबित होगा जब आप कॉलोनियों में जाके लोगों की हालत देखेंगे, 2 फुट की गली में 4 फुट वायर पीछे में, कल को अगर वहां पे कोई अनहोनी हो जाए तो मेरे को लगता है कि वो लोग बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, उनको वही दम घुटके और केजरीवाल जी के नाम से शहीद होना पड़ेगा। उस चीज को नहीं देखते हैं, वो पोस्टरबाजी करते हैं सिर्फ, अब पूर्ण राज्य की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जनता के पास वो जिस काम को लेके आए ठीक है उनमें से वो एक भी काम नहीं कर पाए। और दूसरी बात सुनो कि कल का जो दिन गया 9 तारीख का 2011 में, ये पार्टी जिस संगठन को बना के और जिसके लिए सत्ता में आई ठीक है, आज उसके 5 साल बाद में ये पार्टी उसी पार्टी के हाथ पैर जोड़ रही है कि साहब आप हमारे से गठबंधन करो ताकि हमारे को सत्ता सुख मिल सके लोकसभा में। ये लोग कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट जो है पूरा इन्होंने एक नया फंडा रचा ठीक है, बोला था लोकपाल लाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, अन्ना हजारे जी को साइड में कर दिया, खुद कुर्सी पे बैठ गए और अब उसी पार्टी से मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं कि आप हमारे से गठबंधन करो क्योंकि इसको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं, इनको सत्ता से लेना देना, ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आप जहां पे भी जाएं सब लोगों को समझाएं कि देश की उन्नति की बात करें, प्रगति की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, गली की बात करें, मोहल्ले की बात करें, सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, धर्म और जाति की बात नहीं करें। बहुजन समाज पार्टी कभी भी जाति की बात नहीं करती, अगर बहुजन समाज पार्टी जाति की बात करती या जाति राजन नाति नहीं होती तो आज मैं यहाँ से प्रत्याशी बिल्कुल भी नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जरूर यहाँ से कोई SC ST का ही कैंडिडेट होता अगर जातिवादी राजनीति होती तो, अगर बहुजन समाज पार्टी बिकती, लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की टिकट पैसों में बिकती है, अगर बहुजन समाज पार्टी की टिकट पैसों में बिकती तो जैसे अनिल अंबानी ने रफाल खरीद लिया 5 दिन पहले कंपनी बना के, ऐसे कोई भी बहुजन समाज पार्टी को खरीद लेता, हम टिकट बेचने की जरूरत ही नहीं थी, पार्टी बिक जाती शायद। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पार्टी ना बिकने वाली है ना हटने वाली है और ना ही डरने वाली है। बहुजन समाज पार्टी इस बार 25 मई को भारत में सरकार बनाने वाली है, वो लोग इस बात से बातों में नहीं आना है। जो भी कोई सरकार का नुमाइंदा किसी के भी पास आता है उससे आपको सवाल जो करने हैं वो देश की जनता के हित में करने हैं, हमने जो वोटिंग करानी है लोगों से वो देश की जनता के हित में करानी है, महागठबंधन के हित में इसलिए करानी है कि महागठबंधन मोदी जी के खिलाफ नहीं बना, वो देश
की जनता के पक्ष में बने। जो लोगों ने इन्होंने वादे करे, कोई 15 लाख दे रहा है, कोई 72,000 दे रहा है, ठीक है, कोई 1 करोड़ रुपए दे रहा है, ये सिर्फ वादे रह गए। 5 साल हमने सबने देखा कि इन्होंने कोई काम नहीं करा। ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का व्यापार करते हैं, जाति और धर्म के नाम पे बांट के और सत्ता में आते हैं, सत्ता का सुख लेते हैं। 5 लोगों के अच्छे दिन आए हो तो पता नहीं, बाकी पूरे देश का जो है 95% लोगों का बहुत बुरा हाल इन्होंने कर दिया है। बेरोजगारी इस कदर फैल गई है देश में कि जो पहले आंकड़े बताता हूं कि 2018 में 1.25 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। ये 5/1/2019 की खबर है कि 2018 में 1.25 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। इसका मतलब उनके पास पहले नौकरी थी, उनके पास पहले नौकरी थी। तो इन दोनों सरकारों का आप देखो कि 1.25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये 2 करोड़ साल में रोजगार देने की बात करते हैं, 1.25 करोड़ लोग 1 साल में बेरोजगार हो गए। तो अगर ये सरकार रिपीट होती है तो आप ये समझो कि 5 साल में कितने लोग बेरोजगार हो गए। जितने हमारे युवा वोटर नहीं बने हैं 5 साल में, उससे ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं। जितने वोटर नहीं बने उससे ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं। तो हमें बेरोजगारी की बात करनी है, इनसे रोजगार के बारे में पूछना है। जो पहले भारत में भुखमरी की जो दर थी वो भारत 103वें स्थान पर था और 2014 में जो है 55वें स्थान पर था। आप भारत की स्थिति देखो, भारत की आप स्थिति देखो, आज हमारे से नेपाल और बांग्लादेश भी आ गया है। जिस भारत की ये बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, उससे नेपाल और बांग्लादेश भी हमारे से आगे है, जिनको संसाधन मुहैया कराने के लिए शायद भारत सरकार भी कभी कभी सहायता करती रहती है। हमारे से सहायता लेकर वो लोग हमारे से आगे और हम उनसे 3 गुना पीछे हैं, हम उनसे 3 गुना पीछे हैं। ये भारत की सरकार की सोच हमें घर घर तक पहुंचानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है। और सब लोगों से मैं अपील करता हूँ, सब धर्मों के यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मेरे जानने भी आने वाले हैं, पार्टी वाले भी आए हुए हैं, सबसे अपील करता हूँ कि जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठे, देश की उन्नति और प्रगति की बात करें। जो लोग देश की उन्नति और प्रगति की बात करता है उनके साथ है। जो महागठबंधन बनाए वो इसी शर्त पे बनाए कि वो लोग जाति और धर्म की बात ना करके देश की उन्नति की बात करेंगे। महागठबंधन के 70% लोग ये मान चुके हैं, ठीक है, कि इस बार जो है भारत की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनने वाली है। 30% काम जो बचा वो अपन सबने मिलकर कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यह वादा करता हूँ, उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा 5 साल बाद में अगर पहचानी जाएगी तो पूरी दिल्ली में सबसे अच्छे के लिए पहचानी जाएगी, क्राइम मुक्त पहचानी जाएगी, स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम से पहचानी जाएगी, ना कि जो अभी छोटे मोटे नाम दिए जाते हैं मीडिया बंधु, इसलिए वो नाम नहीं लूंगा, उस नाम से पहचानी जाएगी। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का अगर हमने विकास करना है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बार मेरे को मौका दें, बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग हाथी वाला बटन दबाएं, बहुजन समाज पार्टी को विजय बनाएं, कानून की स्थापना होगी, संविधान की स्थापना होगी। आपको बता दूं, कल ही मैंने कहीं पेपर में पढ़ रहा था कि एक आदमी कोई अपने घर में बैठा हुआ था, बाहर से आवाज आई कि आप 400 रुपए में, ये जो अच्छे दिनों की बात कर रहा हूं मैं, 400 रुपए में पूरी जिंदगी आप बैठ के खा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।